अथ अनंत वर्णन कवित प्रथमे माया में प्रविष्ट हो गए आक शवायु तेज नीर पृथ्वी में व्यापक ग्रंथ है। प्रथमे माया में प्रविष्ट हो वह आक्ष वायु तेज नीर पृथ्वी में व्यापक ग्रंथ है। थेर चार जीव जीते जग में जग मघात सब में प्रकट एक चेतन पनंत है। जैसे घट मट मध पहले आकाश थेर तैसे घट मट मध पहले मनंत है। रूप है अनंत जाके महिमा अनंत और आद है न अंत ताते आत्मा अनंत है। टीका सर्व से प्रथम माया में प्रवेश हुआ परमात्मा आकाश वायु अगन जल पृथ्वी में व्यापक गिणीदा है। पहला माया का प्रवेश सब तो पहला माया का प्रवेश कहने की था लम्बे जल आकाश में तात्रेवा बेच रहे थिर ओ चर जीवन जितने जगत में प्रकाशमान है उन सब में प्रकट एक चेतन ही कहता है। जैसे घट ओ मट में पहले ही आकाश स्थित है तैसे ही परमात्मा घट घट में पहले ही से माना है। जाते जिस परमात्मा का रूप अनंत है जिसकी महिमा भी अनंत है वो आद ना अंत ही है जिसका दाते तिस आत्मा को अनंत कर कहा है। अब स्वयं प्रकाश वर्णन कवित और वस्त्र चाहिए तो दीपक प्रकाशित है दीपक के चाहबे को दीपक न चाहिए और सब देखबे को आँख सुख देव जैसे आंखन के देखबे को कौन अविगाही है। रब को प्रकाश पाए सब को प्रकाश हो तो रब में प्रकाश जैसे सब ते ही सराहिए अगन में दाहक शक्त जैसे आप ही ते तैसे स्वयं प्रकाश एक आत्मा बताइए। टीका किसी और वस्तु की चाह हो गए तो दीपक प्रकाश कर देता है। जब दीपक की ही चाह हो गए तो दीपक नहीं चाहिए। जिस प्रकार सुखदेव कवि कहते हैं कि और सब वस्तुओं के देखने को नेत्र है और नेत्रन को देखने को और कौन नेत्र चाहिए। सूर्य का प्रकाश पाएगा सर्व में प्रकाश हो आवे है और सूर्य के यह प्रकाश जैसे स्वते ही सराइये है स्वते ही सराइये है और जिस प्रकार अगर मैं दाह करते कि शक्त आप से ही है तैसे ही अपने कर प्रकाश मानत आत्मा में बताइए है। यानते ही आत्मा को स्वयं प्रकाश कर रहा है। किंवाज सत्ता अपरोखे रूप हो गए है। जो सत्ता अपरोक्ष रूप हो गए है और किसी ज्ञान का विषय ना होवे सो स्वयं प्रकाश कही है। जड़ी सत्ता अपरोक्ष होवे है ना और किसी ज्ञान का विषय ना होवे उस ते प्रकाश होंगी। आत्म जाते सदा अपरोक्ष रूप है और प्रकाश रूप होने पे किसी का भी ज्ञान का विषय नहीं जाते स्वयं प्रकाश। अब कुटस्थ वर्णन दोहरा कुटस्थ वर्णन दोहरा जाके नाहे विकार कुछ रहत रहत कुट वतनित सो कुटस्थ कहावई समझ देख सिख चित। अथ अज वर्णन दोहरा घट को कारण मृत का ब्रह्म जगत को जान मिट्टी है आदर हित कार नर हित अजकर ताहे बखान आदर रहत कारण रहत अजकर ताहे बखान वो जन्म है जो आदर रहत है तो बुढ़ कोई
कारण ही कोई नहीं, माँ प्यो भी कोई नहीं, सब प्यार जाए की कारण आपे आप स्वयं प्रकाश या जन्म अत अक्रिय वर्णन क्रिया सदा दोहरा आत्म है अक्रिय सदा देह क्रिया वह रूप देह क्रिया करती आत्म कोई क्रिया नहीं जैसे दीप प्रकाश ते खेलत ज्वारी जूप जिम्मे दीवे दे प्रकाश नाल ज्वारी जुआ खेल दे रहे दीवा ना कुछ नहीं करता जुआ नहीं खेलता आत्मा का प्रकाश लै के सारिया देहां इंद्रियां चेष्टा करती हैं विख्या बुद्ध पात्र नच अहंकार ढिग रूप धूप विषय बुद्धि जिहड़ी है वह तो द्वेश नचण वाली अहंकार राजे का दरबार लगा हुआ अहंकार के सामने विषय बुद्धि नाच कर रही इंद्री ताल मृदंग युत आत्म दीपक रूप इंद्रिया जिहड़ियां ताल दिंदियां मृदंग आत्म दीपक रूप है जी आत्म दीपक रूप बंदे ने चलती है ना प्रकाश ओनू कोई लेप कोई नहीं दीवान लगा है रात को क्लब च नहीं लाइटा चलदियां तू तो गया होना क्लब है नहीं मैं नहीं गया तू याद क्लबर गया होगा ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੱਬ ਹੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਲੱਬ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਲੱਬ 'ਚ ਕੀ ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਦੇ ਪੀ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨੱਚਣਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਅਥ ਬ੍ਰਹਮ ਵਰਨ ਅੰਕ ਵਿੱਤ ਸੇਸ ਕੇ ਸਹੰਸਰ ਮੁਖ ਜੀਵ ਦਵੈ ਸਹੰਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਰਮ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸੇਸ ਕੇ ਸਹੰਸਰ ਮੁਖ ਜੀਵ ਦਵੈ ਸੇਸ ਕੇ ਸਹੰਸਰ ਮੁਖ ਜੀਵ ਦਵੈ ਸਹੰਸਰ ਜੀਵ 2000 ਦੇ 1000 ਮੂੰਹ ਸੇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੇ ਨਏ ਨਏ ਨਾਲ ਨਿਤ ਲੇਤ ਰਹੀਤ ਹੈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੰਦਾ ਏਕ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਵਤ ਨਾ ਪਾਰ ਕੋ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ऐसे ऐसे कोट कोट रोम लहीयत है ऐसे ऐसे करोड़ा ब्रह्मांड उस परमेश्वर दे रोम रोम जाए कहे सुखदेव एक अद्वै पुरख जासो सुखदेव जी कहते अद्वै पुरुष है नेत नेत कहे ना प्रमाण गहियत है जिसमें सारे नेत नेत ही कहते ने अंत तोल ताल कोई नहीं है प्रमाण मोटा लंबा चौड़ा पतला महंगा सस्ता कोई प्रमाण नहीं है ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਅਨੰਦ ਅਵਰੂਪ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਸੱਤ ਚਿੱਤ ਅਨੰਦ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰੂਪ ਪਰਮ ਪੂਰਨ ਪਰ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨੀਤ ਨੀਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਇਹ ਦੁਆਦਸ਼ ਵੀਰ ਵਿਸਤਾਰ ਸੋ ਕਹੇ ਵਿਸ਼ੇਖਣ ਚਾਰ ਸੋਹਣੇ ਚਾਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 12 ਨੇ ਐਸੇ ਜਾਣੋ ਆਪ ਕੋ ਇਹ ਵੇਦ ਕੋ ਸਾਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਜਾਣ ਲਓ ਵੇਦ ਦਾ ਸਾਰ ਨਿਚੋੜ ਦੱਸਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਖਿਓ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਸਭ ਕਹੇ ਬਲ ਵਿਕਰਮ ਅਰਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਦੱਸਦੇ ਰੂਪ ਕਹਾਂ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਲਹੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਧਾਮ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਗੇ ਥੱਲੇ ਟੀਕਾ ਪੜ੍ਹੇ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਕਹੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਉਹ ਨਾਮ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਹੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਸਰੂਪ ਕਹਾਂ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਧਾਮ ਕਹੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਚ ਦੋਹਰਾ ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਅਰ ਚੈਤਨਯ ਸੁਭਾਏ ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਅਪ੍ਰਮਾਣ ਅਦਵੈਤ ਹੈ ਅਰ ਚੈਤਨਯ ਸੁਭਾਏ ਅਰ ਚੇਤਨ ਹੈ ਮਨ ਇੰਦਰ ਗਹਿ ਸ਼ਕਤਨ ਹੈ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਪਕੜਨ 'ਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਘਰ ਵਰਨੇ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੀਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਨ ਵੀ ਆਵਾ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹੀ ਉਹੀ ਹੱਕ
विकार चल रहे। कानन को नाद नहीं, जीव को स्वाद नहीं। कहते आवाज है नहीं, कदना सुन ली, स्वाद है नहीं, जीव न सुन ली। वचन वचन को बाद नहीं, जागत मोह जो कहे। कहते वचना दी वचना दा विषय नहीं बाणी दा जिला गल्ला कर ली उदे बारे। जगत मोह जो कहे है जी, जगत कहे जावे। आँख दिखाओ नहीं, नाक को सुंघाओ नहीं। अख दा दिखाओ नहीं, दर्शन नहीं, अखा ने देख ली अपने सुंघण वाली चीज थोड़ा नहीं लखा सुंघ ली। कर को गुहाओ नहीं, पाए की ना रोग है। पकड़ी जाने वाली चीज नहीं, हाथ में पकड़ ली। मन कर ज्ञान नहीं, बुद्ध अनुमान नहीं। मन बुद्धि का भी असर पहुंचे अनुमान। दूसरो प्रमाण जान, प्रगट ऐसो को कहे। दूसरा भी प्रमाण है नहीं, कौन कह सकता किस तरह। असत प्रपंच कैसे, सत पहचाने आप। असत प्रपंच अपने आप सत कैसे जान लो। आप असत प्रपंच कैसे, सत पहचान आप। आपे सुख जाने दूजो माने, बिन को कहे। टीका पूर्व प्रसंगानुसार गुरु कहे हैं, हे सिख्य वो ब्रह्म कानों का शब्द नहीं है। जो कानों से सुना जाए जीव का स्वाद नहीं है। जो चाखा खाए जो चाखा जाए बचनों वाणी का कथन नहीं है। जो युक्तियों से कहा जाए आँखों का दिखाओ नहीं है, जो आँखों से देखा जाए। और नाक का सुंघाओ नहीं है, जो सुंघा जाए। ऐसे हाथों का गहाओ नहीं है, जो पकड़ा जाए। पैरों का विखा भी नहीं है, जो चल कर रोका जाए। मन का ज्ञान नहीं है, जो मान कर माना जाए। तैसे ही बुद्धि का अनुमान नहीं है, जो बुद्ध के अनुसार से जाना जाए। और दूसरा प्रमाण जान के प्रकट है, ऐसे कौन कहे। यह जो असत प्रपंच है, कैसे सत परमात्मा को जाने। आप परमात्मा सुख को आपे ही जानता है। झूठा प्रपंच दूजे जो प्रपंच प्रपंच है, मानने से बिना क्या है। झूठा बंदा सच्चे नूं कित्थे पता कर लेगा। झूठा प्रपंच सत्त नूं कित्थे पता कर लेगा। ये अर्थ कहता है ना जी। दोहरा एक ब्रह्म अद्वैत यह तां की उपमा कौन। बिन उपमा समझे नहीं, अज्ञा कहावे जौन। अज्ञान नहीं समझ नहीं सकता कोई ना कोई एग्जाम्पल देनी पड़ी। जिन्हें दित्तियां ने अद्वै अविनाशी ये भी अज्ञानी को समझा नहीं दित्तियां ने, है भी नहीं गा। सत सही है जो भी असत हो, असत है नहीं, सत कहना कही है। इस सत चेहरे आनंद भी झूठे कर रहे जो लखन आकाश को वही ब्रह्म को देख। जह जड़ यह चैतन्य है, यह भेद जय पेख। फर्क भी है आकाश जरा व्यापक है, आकाश का जड़ तो आकाश जड़ है वो चेतन। कबित व्योम ही मैं सात ही रह सातल ओ सात लोक। सत पताल सत आकाश ने व्योम ही के माज लोका लोक लेखियत है। लोका लोक भी व्योम आकाश व्योम आकाश। अच्छा जी, व्योम में जगत और जगत में व्योम वसे। जकाश में जगत और जगत जकाश रहना। घट मट माज और न्यारो पेखियत है। घड़े मट मठ में भी है तो न्यारा भी है। कह सुखदेव जैसे जीव इस भेद वाग में। कहते जिमें जीव इस दा भेद जैसे घट मट भेद अवै रेखियत है। जिमें घड़े का तो मठ मठ का प्रकाश है वखरा वखरा प्रतीत होता पर है एक ही है। जीव इस दा चेतन सत एक ही है। और सब लक्षण समान जान व्योम के पै। और सारे लक्षण आकाश की तरह है। ब्रह्म माहे चेतनता सो विशेखियत है। कहते ब्रह्म विशेष गुण है चेतन है आकाश है बाकी सारे लक्षण दे रहे हैं। दोहरा गुरु वाच दोहरा वाहेगुरु सिख्यो वाच दोहरा। कहो परपंच असत और सत ब्रह्म सो एक।
ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੱਥਾ ਬੜਾ ਪੀੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸੋ ਗਿਆ ਸੀ।